हेलो दोस्तों, नमस्कार। शर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से सेट स्क्वायर के प्रयोग करके इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने वाला हूं और सेट स्क्वायर से व्यू बनाने का यानी ड्राइंग बनाने का तरीका भी बताने वाला हूं। जैसे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे मैं आपको ये वाला व्यू बना करके मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बेस लेंगे। ठीक है, पहले से मैंने एक लाइनिंग खींच रखी है, एक बेस ले लेंगे और हम डॉट एक लेंगे। डॉट हम कहीं पर भी ले सकते हैं। और आपको ये भी बताया था कि ड्राइंग बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें ड्राइंग खड़ी करनी है तो 30-30 डिग्री पर ही खड़ी होगी। ठीक है, वैसे तो बना सकते हैं 40 या 45 पर, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है 30 डिग्री पर। अगर बनाएंगे तो और ही ज़्यादा बेटर होगा। तो हम सबसे पहले ड्राइंग बनाते समय शुरू करेंगे। सबसे पहले लेना है हमको ये 40 mm वाला और ये पचपन वाला लेना है। ठीक है, तो हम चांद की सहायता से पहले हम 30 और 90 का डॉटेड कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 और ये हो गया 90 और ये भी हो गया हमारा 30। ठीक है, सबसे पहले हम ये 55 mm वाला जो लाइन है, सबसे पहले इसको हम खींचेंगे। ठीक है, 55 वाला हो गया। अब हमें खींचना है 40 mm वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40 mm वाला सबसे निचला वाला लाइन, यहाँ से लेकर हम 40 खींचेंगे यहाँ तक। ये हमारा 40 हो चुका। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा निचला वाला हो गया, अब ये वाला जो खड़ी लाइन है इसको हम कितने पर लेंगे, 90 पर लेने। ठीक है, हम इस लाइन को 90 पर खींचेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, इस लाइन को भी और इस लाइन को भी। हमने आपको ये भी बताया था कि 90 पर खड़ी लाइन खींचने के लिए हमें कोई भी प्रकार की जरूरत नहीं है, ना कोई स्केल की जरूरत है। हम ऐसे चांद को बेस पर रख के और इस सेट स्क्वायर को ऐसे करके हम खड़े करके हम चाहे तो 90 खींच सकते हैं। ठीक है, 90 खींच सकते हैं। ठीक है, हमने ये वाला 90 और ये वाला 90 पर खींचा है और ये भी वाला 90 पर खींचा है और खींचना भी है। ठीक है, तो ये हम चेक कर लेंगे कि 55 है कि नहीं और ये 10 और ये 10 है कि नहीं। तो आइए चेक करके बताते हैं आपको। इसको चेक करेंगे, 10 होना चाहिए, ये हमारा 10 है और ये भी 10 है और इसको हमें 55 लेना है। तो हम 55 के लिए थोड़ा कम है तो इसको हम 55 ले ले रहे हैं। ये 55 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। जब ये लाइन 55 है और जब बीच में 10 का डिस्टेंस है तो ये लाइन हमारा कितना होगा। जब ये लाइन 55 है और बीच में 10 का डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला खंड 10 का डिस्टेंस हो, तो ये हमारा कितना होगा, 45। यानी 55 - 10 45 mm का ये होना चाहिए, ये वाला लाइन। ठीक है, तो हम ये लाइन अभी आप लोगों को हम खींच करके बता रहे हैं। अब इसको खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको बताया था इस सेट स्क्वायर को हम ऐसे करके और बेस पर टच करके और ऐसे खिसकाएंगे। ठीक है, जहाँ तक आएगा, ज़्यादा हो गया थोड़ा, हाँ, हम यहाँ से खींच देंगे यानी कि 45। अब हमें ये नीचे से, जब ये 40 है तो इसके ऊपर वाला भी ये पूरा 40 होगा। इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लाइन कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को खींचने के लिए 40 mm का हम चांद को बेस पर रख के सेट स्क्वायर की मदद से हम ऐसे बनाएंगे।
ऐसे करके। ठीक है, हो गया हमारा 40। अब हमें जैसे कि बीच में 10 का डिस्टेंस है तो हम ऊपर वाला ही हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है, इस लाइन के थ्रू, यानी कि इसके समानांतर हम इसको खींचेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को भी, ठीक है। फिर हम सेट स्क्वायर ले रहे हैं चांद को हम बेस पर रख के, और हम ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, हमको जस्ट इसको ऐसे कर देना है, चांद को अच्छी तरह से बेस पर रख के ऐसे कर देना है, जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर हम ऐसे करके, और एक 10 का हम ले रहे हैं और हम इसमें टच कर दे रहे हैं। अब हमें ये वाला लाइन खींचना है 40 mm का और ये भी 40 का, ठीक है। अब हम खींच के बताते हैं, मैं इसे बेस पर सेट स्क्वायर को रख के ऐसे ले जाएंगे और यहाँ देखेंगे, ये यह हमारा यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको हम 40 mm खींच देंगे, और ये भी 40 का होगा, हम इसको 10 पर इसको मिला देंगे। अब थोड़ा आपको यहां ध्यान देना है, अब हमें यहां से माप इसको कितना लेना है और यहां से माप ये कितना लेना है, हम कैसे मालूम करेंगे, तो हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं, जैसे कि बीच वाला जो दूरी है इसका डिस्टेंस कितना है, 10 mm का डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, जब मतलब कि 10 का डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है ये होगा 15 और ये होगा 15, तब ना 15 और 15 30 और 10 40, यानी कि 40 के बराबर हो गया, 15 15 30 और 10 40, ठीक है। तो हम ये 15 और ये 15 का हम खींच रहे हैं, ठीक है। तो हम 15 15 पर डॉट लगा लेंगे, ये हो गया हमारा 15 का डॉट, और 15 का डॉट ये भी हो गया, 10 5 15 का डेट ये भी हो गया, और नीचे भी हम 15 15 का, नीचे भी हम 15 15 का डॉटेड कर लेंगे, यानी 5 10 और 5 15 हो गया, यहाँ से हो गया 10 और 5 15, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिलान कर देंगे, ठीक है, अच्छी तरह से हम मिलान कर देंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब ये हम लोगों का 10 का डिस्टेंस हो गया, तो मतलब 15 और 15 30 और 10 40, ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इस लाइन पर ध्यान देंगे, ठीक है, ये वाला लाइन कितना खींचना है और ये वाला लाइन कितना खींचना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये खींचने का आपको हम एक बेस्ट तरीका बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब ये 15 है यहाँ से लेकर, जब ये 15 है तो ये इसका बीच का दूरी कितना होगा, 15, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 15 ही जा रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर और ये बीज वाला ये 15 है, ठीक है। तो हम यहां से 15 कैसे पता करेंगे कहां तक होगा, तो हम इस कोने से और इस कोने पर रख करके 15 पर हम एक डॉट लगा लेंगे, इस कोने से और इस कोने पर रख कर हमें यहां से मतलब जहां तक होगी एक डॉट लगा लेंगे, ठीक है, ये रहा डॉट, और इसको मिला देंगे यहाँ से इस डॉट के साथ यहाँ से यहाँ तक, और इस डॉट के साथ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसको हमें
मिलान कर देना है। अब और क्या बाकी रह गया इसमें, सब तो कंप्लीट हो गया। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इसकी कोई माप नहीं है, ये जब भी होगा तो फ्री हैंड ही होगा, ठीक है, ये जब होगा तो फ्री हैंड होगा। तो वो कैसे हम खींचेंगे फ्री हैंड, हम सेम इसके ही समानांतर इसको ही खींचेंगे और इसके समानांतर इसको खींचेंगे, ठीक है, ये तीनों के समानांतर इसको खींचेंगे और ये तीनों के समानांतर इसको खींचेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं वो किस तरह खींचेंगे। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि वो भी 90 पर ही होगा, ठीक है, तो हम 90 पर ऐसे बेस बेस पर चांद रख करके और 90 हम ऐसे कर दे रहे हैं, 90 पर एंगल पर खड़ा कर देना इसको हम, ठीक है, हो गया इसके समानांतर और ये जाएगा इसके समानांतर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसके लिए भी चांद की हेल्प पड़ेगी, चांद को हम अच्छी तरह से बेस पर रख करके और इसको हम ऐसे घुमा करके, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे, हो गया हमारा आइसोमेट्रिक व्यू इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये फिगर, ये जो ड्राइंग है, इसमें और इसमें कोई आपको फर्क नहीं नज़र आ रहा होगा, जैसे वो है सेम उसी तरह ये भी ड्राइंग है। अगर हम इसी तरीके से अगर इसका यूज करना अगर हम सही से अगर जान लेते हैं तो हमारा कोई भी ड्राइंग कभी भी ख़राब नहीं होगा, जब भी बनाएंगे वो ड्राइंग अच्छा से ही बन पाएगा, ठीक है। अगर इस इंस्ट्रूमेंट का अच्छा सा नॉलेज है तब। अब इसमें क्या रह गया, डायमेंशन। अब चलते हैं इसका डायमेंशन करने। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। हम आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी डायमेंशन अगर हम देते हैं तो 2H पेंसिल से दें, ठीक है, जैसे कि ये 2H पेंसिल है, ये 2H पेंसिल है, इस पेंसिल से हम डायमेंशन जब भी दें तो 2H से ही दें। मैं आपको बताने मतलब कि बता रहा हूँ इसलिए हम इस पेंसिल का यूज कर रहे हैं, नहीं तो जब भी डायमेंशन दें तो 2H पेंसिल से ही दें। आपको मैं ये भी बताया था पहले कि डायमेंशन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो कम से कम हम 5 mm ले सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर सबसे न्यूनतम अगर लेना चाहें तो कम से कम 5 mm। तो हम सब पर 5 mm का डॉट लगा दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डायमेंशन लाइन हमने खींच दी। अब हम इस पर जो माप है उसको हम इंडिकेट कर देंगे, ठीक है, जैसे इसकी माप 40 है और ये 55 और ये 10, तो हम 40 कर दे रहे हैं, 40 55 और ये 10, और ये भी हमने 55 ही बताया था और ये 40, ठीक है, और यहाँ तो खैर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्या कि बीच वाला जो है ये हमारा 10 का हो गया, ठीक है, तो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कितने के हैं। अगर एक ही जगह अगर आप माप अगर लिख दे रहे हैं उसके सामने तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और बीच वाला ये भी 10 है। ये रहा हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग, प्रोजेक्शन, ऑल डायमेंशन, ऑल डायमेंशन इन mm। ये रहा हमारा आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।